तो कैप्टन सलमान कैसा लगा? वाओ एवन, वेरी वेरी गुड टेक्निक, यू लुक गुड, यू परफॉर्म गुड, वीट अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. इतने माइंड ब्लोइंग मूव्स किए आपने, इतनी स्मूथली किए, जैसे आपका नाम है वैसा आपका काम है. एवन एवन एवन, वेल डन. थैंक यू सो मच मैम. एवन, आप मुझे बताइए, आप डांस प्लस में आना क्यों चाहते हो? सर, मैं डांस प्लस में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए. सॉरी, क्यों? मेरी फैमिली को बहुत बड़ा टेंशन है इसका. सर, मेरे पापा ने बैंक में 10 लाख रुपए लोन लिया था जो मुझे पूरा करना है. मतलब आपके पापा आए हैं साथ में आपके? सर, पापा नहीं है, कोविड के टाइम पे छोड़ के चले गए. आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस. हम लोगों ने ना बहुत बहुत कॉल लगाया मैम. सुबह 7 बजे एम्बुलेंस आया, रात के 4 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था. हम अभी नहीं आ पाएंगे, और दूसरी जगह फ़ोन करो तब हम आएंगे. एम्बुलेंस को कॉल करते थे कि कब आओगे, बोलते थे कि नहीं अभी हम यहाँ हैं, ऐसा ऐसा करके. सुबह 6 से 7 बज गया, उसके बाद फिर पापा को एम्बुलेंस आया. एम्बुलेंस हमको मुश्किल से एक जगह बेड मिला, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे पापा को, बट लेकिन बेड बिल्कुल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था. थोड़ा सा पापा 2 दिन तक थे अच्छे से, फिर उसके बाद चले गए. I'm so sorry, Evan. मैं बस यही दुआ करूंगा कि जितनी जल्द हो सके आपका कर्जा आपके ऊपर से उतरे. Evan, आपका कितना कितना है कर्जा? सर, 10 लाख रुपए पापा लोन लिए थे तो शायद 8 बचा है. सो मच सर. हाँ, मेरे हिसाब से 8 बचा है, वो मैं कर दूंगा. आप मेरे पास आ जाना मेरे उससे. थैंक यू सो मच. जितना मुझसे हो पा रहा है 8 है ना आपका? 8 हाँ, मैं कर दूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस भी करते हो यार. थैंक यू सो मच सर. आप अपना लोन भर देना बैंक वालों को देके, ठीक है? आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर या चाहने वाले या किसी ना किसी को खोया है इस कोविड के चक्कर में, लेकिन और उसके बाद Within 2 months, लेकिन इस दौर में भी आप उस दौर से निकले हो, इसका मतलब आपके अंदर जो विल पावर है वो शायद हमसे भी ज़्यादा है. आप इस मंच पे खड़े हो और ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हो. पापा जब जा रहे थे ना, मैंने उनको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था मैं आपको शो पे 100% आपको अंदर तक लेके जाऊंगा, आपको स्टेज पे भी लेके आऊंगा, कि पापा कोई भी पहला शो आएगा आप प्लीज़ गिव अप मत करो. इसलिए मेरे को शो पे मतलब पूरा जान क्यों ना लग जाए, सर ये शो पे आना ही है. फिलहाल उसकी पहली सीडी मैं देता हूँ. एवन, आपने आपके पापा को प्रॉमिस किया था? हाँ सर. मैं एक्चुअली जब से ऑडिशन स्टार्ट हुआ तब से मैं कोशिश कर रहा था बोलने की, तो ओ सर, तो मुझे कुछ बोलना है. सबको पता है मेरी जर्नी, जामनगर के एयरफोर्स कैंप में से निकला हूँ. सबको पता है कि किस तरीके से मैं वहाँ से निकला, मुंबई पहुँचा, तो असली जर्नी स्टार्ट हुई.